निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का आज सेकंड शिफ्ट में सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसका आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ प्रश्न को ले लेते हैं। जैसे में आपका प्रश्न होता है कि सर जो आईडी और पासवर्ड होता है उसमें क्या क्या कुछ डाला जाता है, क्या टेम्परेचर भी मापा जाता है, क्या फोटो भी होता है, इस तरह के प्रश्न पे हमने पहले भी चर्चा किया गया है। लेकिन फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही आपको बता देते हैं, जैसे एंट्री होगा आपका टेम्परेचर होगा, उसके बाद फोटो होगा, उसके बाद आपको सीट अलर्ट हो जाएगा, सीट पे जाइएगा तो वहां पे थोड़ी देर बाद आपका माउस वगैरह जो भी है उसको हिला के देखिएगा तो आपको वहां पे अपना फोटो दिखेगा। और आपका जो आईडी है, आईडी में रोल नंबर होता है। कहीं कहीं कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वहां रोल नंबर डालना पड़ रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सर रोल नंबर वहां लिखा हुआ आ जाता है, नीचे में पासवर्ड डालना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ आपका होता है, जो आपका जन्मतिथि है वो आपका लिखा हुआ रहेगा। वैसे ही जैसे आप एडमिट कार्ड निकालते समय आप उसको डाले थे वैसे ही डालना आपको डेट ऑफ बर्थ। आपका जैसे 1 जनवरी 1990 है तो 01/01/1990 लिखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ असुविधा होती है तो जो भी जहां पे भी है आपका सेंटर वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे पूछ भी सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त सामान वगैरह का भी क्वेश्चन आता है, कुछ सेंटर पे सामान नीचे रखे जाते हैं, कुछ सेंटर पे नहीं भी रखे जा रहे हैं, तो जो भी सामने दुकान वगैरह तो वहां पे रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे का, वो है आपका सब्जेक्ट और आपका जो क्वेश्चन लेवल है उसका। सोशल साइंस का 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, क्या कुछ है और क्वेश्चन लेवल किस तरह का था, इसके लिए हम चलिए बात करते हैं जो मिस्टर कुमार जी हैं उनसे। मिस्टर कुमार जी आपका स्वागत है हिंदी क्लब में। जी धन्यवाद सर। मिस्टर कुमार जी बहुत डिमांड था इसलिए आप टेबल पे हैं, फिर भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं। एक्चुअली जो अभ्यर्थी हैं जो कल परसों जिन लोगों का एग्जाम है वो जानना चाहते हैं सबसे पहले ये कि जो परीक्षा हो रहा है वो केवल 2 विषय चूज करना है या 4 विषय से प्रश्न रह रहे हैं। सर ये बिल्कुल अस्पष्ट है कि SST विषय में मात्र 2 विषय का चयन करना है, जिसमें स्पष्ट निर्देश 3 पंक्ति में ये लिखा गया है कि इतिहास या भूगोल इनमें से कोई एक विषय बाध्यकारी है चयन करना है, शेष अन्य 3 विषय में से कोई भी एक विषय का चयन किया जा सकता है अभ्यर्थियों द्वारा। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 2 विषय है इतिहास और भूगोल उसमें से एक निश्चित रूप से आपको लेना है, रिस्ट ऑल जितना है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे, यानी आपका 50 क्वेश्चन इतिहास और भूगोल से रहेगा। रिस्ट जो आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, वही आपका कॉम्बिनेशन वाला जो चल रहा था प्रॉब्लम वगैरह कि सर मेरा इतिहास है ऑनर्स पेपर है या हिस्ट्री मेरा ऑनर्स पेपर है और सब्सिडी में मेरा सिविक्स है तो क्या दोनों से पूछेगा, यानी पोल साइंस जो होता है उससे पूछेगा। जी हाँ, उसी 2 विषय से आपका परीक्षा हो रहा है, उसी 2 विषय से प्रश्न आ रहे हैं। इतिहास आप चूज करेंगे इतिहास के टोटल प्रश्न होंगे, अब जो आप अगर सिविक्स चूज करते हैं तो सिविक्स के प्रश्न होंगे। ये चूज करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताते चले। आपको हमने एक मॉक टेस्ट दिखाया था, मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में एक चूज करना होता है सब्जेक्ट जहां पे 50 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पे दूसरा वाला जो टैब होता है जहां पे टोटल क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप जाइएगा तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा चूज करने का, कोई भी दिक्कत होता है तो वो लोग हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा था कुमार जी, एक प्रश्न यहाँ पे और आ रहा था कि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि उनका सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी है जी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हैं? सर ऐसा तो कोई निर्देश अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और ना तो हमने पूछा था, लेकिन निर्देश जो 3 पंक्ति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था उसमें ये था कि परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपने सुविधानुसार इतिहास और भूगोल दोनों में से कोई एक विषय अनिवार्य रूप से चयन करें और शेष 3 विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। कर सकता है या शब्द लगा कर सकता है, लेकिन इसके लिए पूरा स्पष्टता इन्होंने नहीं किया है और जो भी इनके साथ अभ्यर्थी गए थे उन लोगों का भी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं था। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप जो भी वहां पे हैं, जो भी
वहां पे हैं, उन लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं कि सर ये दो सब्जेक्ट ले सकते हैं। वैसे आपने कभी ट्राई किया था कि मान लीजिए दो सब्जेक्ट आ रहा है, कोई हिस्ट्री है चाहे ज्योग्राफी है चाहे पोल्टी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल जो साइंस होता है वो या इकोनॉमिक्स, दोनों एग्जाम देके आपने कभी ट्राई किया था कि दोनों पे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? सर हम प्रयास किए थे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों का चयन करके प्रश्न बन पाता है या नहीं बन पाता है, तो दोनों में दो दो तीन तीन प्रश्न इस तरह से करके देखे तो बन रहा था। पुनः दोनों में इतिहास और भूगोल इसमें भी बना के देखे तो बन पा रहा था। इसके बाद वापस फिर हमको जहाँ जाना था वहाँ चले गए थे। मेरा विषय वहाँ इतिहास और पॉलिटिकल साइंस। तो ये दूसरे में भी ट्राई करके चेक कर चुके हैं जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ट्राई किया है जो बन पा रहा था। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि कुछ भी करने से पहले ना जो भी वहाँ है उन लोगों से हेल्प ले लें और उनसे मदद ले लें। तो ये था आपके जो भी प्रश्न थे कि इतिहास में कैसे चूज करना है क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप परीक्षा हॉल में जाइए, जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करके गए हैं ना वहाँ पे जाइए, आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे चूज करना है। माउस वगैरह चला के देख लीजिएगा, माउस वगैरह अगर नहीं चल रहा है तो पहले ही सब बता दीजिएगा। ये है रफ पेज, वहाँ मिल रहे हैं, आराम से रफ पेज मिलेगा, जो भी लिखना वगैरह होगा आप लिख पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि जो लेबल था उसका। लेबल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो शिक्षण कला होता है और रीजनिंग होता है, वहां से फिर चलेंगे आपके सब्जेक्ट। आपने आज शिक्षण कला और अन्य दक्षता जो दिया था जी सर, उन प्रश्नों में सबसे ज्यादा प्रश्न किसके थे? सर्वाधिक प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से थे। इसके लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ज्यादा पूछे जा रहे, लगभग कितने प्रश्न थे? 30-40 के बीच में होंगे जी, 30-40 के मध्य होंगे, 35 माना जाए, 35 तक माना जाए। ये द्वितीय पाली की बात कर रहे हैं, वो प्रथम पाली में भी इसी तरह का होगा, लेबल लगभग ठीक ठाक था प्रथम हो या द्वितीय। तृतीय में भी हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो शिक्षण कला के जो ज्यादा प्रश्न जा रहे हैं, टोटल 50 में से 30 से 35 प्रश्न रह रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब तो समय कम है, लेकिन मान लीजिए किसी का 18-19 है, उतना बीच में क्या देख ले, किस तरह के प्रश्न है? सर इसमें स्मृति स्तर पे आधारित लगभग 8 प्रश्न थे, जिसमें ये पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है या संज्ञानात्मक सिद्धांत किनका है, इस तरह का सिद्धांत पूछा जाता है जो कि बिल्कुल ही स्मृति पर आधारित होता है। तो ये सिद्धांत पूछे गए थे, कितने सिद्धांत पूछे गए? एक या दो होगा मेरे ख्याल से, 3 या 4 सिद्धांत थे सर। 3 या 4 सिद्धांत सोशल साइंस में, 3 या 4 सिद्धांत थे। और इसके अतिरिक्त तो और क्या पूछा गया था? अप्लाइड मोड के क्वेश्चन होंगे। अप्लाइड मोड तो बिल्कुल आसान था, हमें लगता है कि जो सदस्य हिंदी क्लब का वीडियो अगर विधिवत रूप से सीटेट का देखे हो तो उससे बाहर कहीं कुछ नहीं था, स्पष्ट हो बहु मिलता हुआ प्रश्न मिल रहा था। वही केवल वगैरह जो होते हैं वही सब थे जो हमने स्पष्ट तरीके से एक दो वीडियोस बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा, अप्लाइड मोड का हल हो जाएगा। लेकिन आपके जो प्रवर्तक वगैरह हैं तो उसके लिए भी वीडियोस एक दो आए हैं, उसको देख सकते हैं, नहीं तो एक बार करेंट आप देख लीजिएगा कि कौन, अधिगम का सिद्धांत देख लीजिएगा कि ये कौन कौन है, बुद्धि का सिद्धांत देख लीजिए, यही एक नजर देखना चाहेंगे, देख लेंगे। ये भी मैं आपको बताते चले कि एक बार अगर सिद्धांत 3-4 दे दिया गया तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि वो सिद्धांत पूछा जाएगा। अच्छा, ब्लड रिलेशन वगैरह के प्रश्न थे या नहीं थे? सर ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न थे, को ब्लड रिलेशन भी देख लीजिएगा। कैलेंडर के शायद प्रश्न नहीं आ रहे, आए थे कि नहीं थे? कैलेंडर से नहीं था सर, कैलेंडर से नहीं आ रहे, ये थोड़ा सा आसान हो गया, कैलेंडर वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था आप लोगों का। तो यहाँ पे आप ब्लड रिलेशन देख के जाइए, ब्लड रिलेशन में कुछ होता ही नहीं है, जो आप इतना सारे रिलेशन लगाते हैं वही तो पूछा जाता है, ABCD करके पूछ दिया जाता है। और किस पे आधारित प्रश्न थे? सर जहाँ तक मेरी स्मृति में है उसमें एक प्रश्न ये था कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, दूसरा प्रश्न कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन याद नहीं है सर, ऑप्शन इस तरह से था कि मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक उपयोग किसमें था, किसमें है,
अच्छा, तो इस बच्चा तरह से संबंधित था कि बच्चा का इस विकास हाँ, में इस तरह से विकास हाँ, हाँ उनके सारा विकास का दिया होगा उससे संबंधित हो सकता है। और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास ये प्रवर्तक है, ये नहीं था कि प्रवर्तक हैं, लेकिन प्रश्न यही था कि संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञानात्मक विकास लगभग दो बार पूछा गया प्रश्न है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा आगे प्रश्न, क्योंकि ये आपका और भी अन्य सब्जेक्ट जैसे मैथ वगैरह कुछ हो रहा था वहां से भी ये प्रश्न हमने एक बार सुना था। आगे बताइए। और सर सामाजिक सिद्धांत भी पूछ लिया गया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इनका सामाजिक अधिगम था या किसका क्या था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, हाँ सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये वंडूरा का जो है वही जी, ये भी मतलब कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अगर अधिगम का सिद्धांत वगैरह आ रहा, यानी अगर आप प्रीवियस जो भी पूछे गए प्रश्न है तो वो आपका ये दोहराया गया है। अधिगम का सिद्धांत भी हम कल या परसों के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सोशल साइंस में नहीं, किसी मैथ वगैरह में हमने चर्चा किया था, तो वही प्रश्न यहाँ पे भी आए थे। और कुछ जैसे एक प्रश्न था कि बुद्धि कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, फिर भी कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि या बुद्धि? वृद्धि सर, ग्रोथ। ये तो गलत तो है, बुद्धि आपका मतलब आप सीखते हमेशा रहते हैं, लेकिन वृद्धि तो एक स्तर पे जाके रुक जाती है जी। निरंतरता का सिद्धांत पे आधारित था सर। अच्छा, जो लगातार बढ़ते रहता है। तो देखिए विकास और वृद्धि में यही अंतर है, विकास जो होता है ना, विकास मतलब कह दिया जाता है अरे आज उनके पास इतना पैसा हो गया, फिर कल के डेट में क्या होता है और ज्यादा पैसा हो गया, इसी तरह वो विकास हमेशा डेवलप होता है। एजुकेशन मामले में जाइएगा तो आज आपने कुछ और सीखा, कल कुछ और सीखिएगा, परसों कुछ और सीखिएगा, ये विकास हमेशा होते जा रहा है, नया कुछ सीखते जा रहे हैं, विकास आपका डेवलप होते जा रहा है, लेकिन वृद्धि जो होता है वो एक स्तर पे जाके रुक जाता है और उसके बाद सामान्य रूप से वो मतलब जिस रूप में है उसी रूप में जाता है, फिर नीचे डल जाता है, समाप्त हो जाते हैं। तो वृद्धि जो है वो आपका एक रुक जाता है, बहुत कुछ अंतर है, गुणात्मक परिणात्मक बहुत सारे अंतर हैं। और इसके अतिरिक्त और कुछ प्रश्न जो आपको याद है? रक्त समूह से संबंधित दो प्रश्न थे, आसान ही थे, बहुत जटिल नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं घुमाया गया था इसको। लुप्त संख्या ज्ञात करें इससे संबंधित दो प्रश्न थे, लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों वाला रीजनिंग जैसा दिया होगा कि कुछ हार्ड था, थोड़ा था सर जटिल, मतलब नहीं मिल पाया वो। क्या था प्रश्न, क्या था प्रश्न? था 1, 1, 4, 16 इस तरह से पांच सात संख्या दिया हुआ था और उसके आगे वाली संख्या को भरना था। एक था, उसके बाद क्या था? दो बार एक एक था, हाँ, चार था, हाँ, चार के बाद नौ था, हाँ, 27 था और 27 के आगे याद नहीं है सर। मतलब ये लगातार था या डैश दे के था, एक के बाद डैश फिर? नहीं, डैश नहीं था, लगातार था, 1, 1, 4, 9, 27 जी। दो प्रश्न थे और दोनों में से किसी का हल नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ होगा, ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये दो का स्क्वायर किया गया है, ये तीन का स्क्वायर किया गया है और ये 27 लेके आए, तो कुछ ना कुछ होगा, अगर करेक्ट होता तो ये बन जाता, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, कुछ ना कुछ होता है, माइनस प्लस स्क्वायर क्यूब बस यही होता है और कुछ नहीं होता है, माइनस कीजिए प्लस कीजिए स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए, स्क्वायर क्यूब करके एक दो जोड़ दीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं होता, आप ट्राई करते रहिएगा तो निश्चित ही बन जाएगा। और इसमें घबराइएगा नहीं, घबराइएगा ये क्या हो गया वो क्या हो गया तब दिक्कत हो जाएगा, कभी कभी इसको हल करते समय ऑप्शन भी चूज कीजिएगा, जैसे में जो भरना है ना वही भर दीजिए यहाँ पे, जैसे ऑप्शन में दिया 5, 5 भर के देख लीजिए, 6 दिया 6 भर के देखिए, 27 दिया 27 भर के, जो दिया वही भर के देखिए, क्या ये बैठ रहा बैठ गया तो आंसर हो गया आपका, तो पहले ऊपर से हल कीजिए, नहीं बनता ऑप्शन बैठा के हल कर लीजिए, निश्चित ही बन जाएगा। और कुछ प्रश्न जो याद है, क्योंकि जल्दी से हम बढ़ेंगे सोशल साइंस की तरफ। एक और प्रश्न था सर 50 अंकों वाले खंड में, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 75% छात्र है, मतलब छात्र मतलब बॉयज जो है वो 75% है जी, और हाँ। छात्राओं की संख्या 420 है, छात्राओं की संख्या 420 है, ओके, तो छात्र की संख्या ज्ञात करें, तो छात्र की संख्या ज्ञात करें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा अगर लाइव में दिखा पाता तो बता सकता था। सबसे पहले अगर छात्राओं की संख्या दिया गया
किसकी संख्या दिया गया, छात्राओं की संख्या दिया गया है और छात्र का परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसको 100 से घटा दीजिए, मान लीजिए ये है 75 को ये हो जाएगा 25%। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या हो गया, 25% जो है वो 420 है, यानी x का 25% कितना है, 25/100 बराबर कितना हो गया, 420 है। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, निश्चित ही x का मान आपका आ जाएगा और वो आंसर हो जाएगा, कुल छात्रों की संख्या चाहे जो भी निकालना चाहते हैं वो जो प्रश्न में था बन जाएगा, बहुत ही आसान है। और कुछ बताइए जो आपको याद है। एक प्रश्न था सर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में कितना कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, वैसे वृत्त पे तो हमने नहीं बनाया है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ट्राई कीजिएगा तो निश्चित बन जाएगा। लेकिन इसे एक देख के जाइएगा, पहली बार थोड़ा सा हार्ड आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया, वृत्त की परिधि आपको निकालना पड़ेगा, वृत्त का परिधि का सूत्र आपको याद आना चाहिए कि क्या होता है, 2πr होता है कि πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर क्षेत्रफल होता है कि क्या होता है, ये सारी चीज आपको जाननी चाहिए। और आगे बताइए और कुछ प्रश्न। एक प्रश्न सर से, किसी नगर की आबादी का 96% 23,040 है तो उस नगर की कुल आबादी कितना है। इसका भी जैसे हमने अभी बताया कि ये परसेंटेज वाला जो गेम है ना बहुत ही आसान होता है, इस पे शायद मेरा एक ओल्ड वीडियोस भी बना होगा जब हम सारा चीज समझा रहे थे, नहीं को बना के देखिएगा, जितना है जितना दिया है तो x बैठा दीजिए, अगर टोटल पूछ रहा है x बैठा दीजिए समझ जाइए x है, और गुणे करके जितना परसेंटेज कह रहा है, को x का 25% 20% जितना परसेंट बोला गया वो उतना कर दीजिए, 25/100 कर दीजिए, बराबर में जितना आया है कि इसका 75% या 25% बराबर में इतना आया, उसके बाद काट के बना लीजिए, टोटल आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा तो बन जाएगा। इसके अतिरिक्त तो और भी कोई प्रश्न, यानी मैथ के प्रश्न थे जी थे, और एक रीजनिंग में था कि ABC नाम था वहाँ पे, राम मोहन श्याम इस तरह से, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फिर 2-3 नाम वही उसी में से था कि ये दूसरा खेल का नाम था कि फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फिर वही नाम था कि ये हॉकी खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, इस तरह से अलग अलग खेल का नाम था। और प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट कौन नहीं खेलते हैं, ये तो और आसान है, इसको क्या करना है, ABC लिख देना है, जो भी नाम है वो नाम लिख देना है, और जो जो जब भी जो नाम आ रहा है और क्रिकेट आ रहा है उनके सामने क्रिकेट लिख दीजिए, जो नाम आते जाता है उसको लिखते जाइएगा, बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन नहीं खेलता है कौन खेलता है। तो ये रीजनिंग का बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आराम से धैर्य से पढ़िएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी तैयारी है ना वो तैयारी हो गया, एक दिन पहले पहुंचिए, मन को शांत रखिए और आराम से एग्जाम दीजिए। और कोई रीजनिंग का प्रश्न। इससे 3 प्रश्न था सर जो अभी हम बताए, एक में पूछ दिया था कि सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन खेलते हैं, क्रिकेट कौन नहीं खेलते हैं, और एक और कुछ पूछ दिया था, प्रश्न अलग अलग था लेकिन टाइप एक ही था, यानी एक को अच्छे तरीके से बना लीजिए कंसेप्ट में तो 3 प्रश्न आपके हल हो जाते हैं, तो ये तो अच्छा था। और आपका क्रिकेट खेलने से ये जो प्रश्न है आपका संबंधित है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन खेलता है, इसका मतलब क्रिकेट का जिक्र 3-4 जगह हुआ है क्या इसमें। जी सर, 4 जगह ABC करके नाम जो 4 समूह में बांटा और चारों समूह में 3-3 खेल के नाम दिए गए, तो खेल के नाम बदल दिए गए, कहीं क्रिकेट के जगह पे फुटबॉल, कहीं फुटबॉल के जगह पे वॉलीबॉल, इस तरह से किया गया, ये समय तालिका के अनुसार दिया गया था क्या, आप देख लीजिएगा एक बार, ज्यादा डिस्कस तो नहीं किया जा सकता लेकिन एक बार देखिएगा, आराम से पढ़िएगा, निश्चित ही बन जाएगा। और क्या प्रश्न थे इसमें, तो सर स्मृति में बस यही सब है। चलिए ठीक है, ये हुआ रीजनिंग का आपका चर्चा, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट है आपका जो आपका एग्जाम, आपका कौन सा एग्जाम था, कौन सा परीक्षा था सब्जेक्ट। मेरा एक इतिहास था सर और एक राजनीतिक विज्ञान था। इनका एक हिस्ट्री है और एक पोल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, को हिस्ट्री में, हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री से कुछ प्रश्न बताइए, सबसे पहले लेवल पता चलेगा किस लेवल का था प्रश्न। सर यदि लेवल कठिनाई स्तर की बात करें तो लगभग इतिहास में 10 प्रश्न 9वीं 10वीं से था, 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न आपके 9वीं 10वीं से था, और 5 प्रश्न
या 6 प्रश्न था 6-8 से। 5-6 प्रश्न आपका 6-8 से थे, रेस्ट ऑल आपका प्रश्न कहाँ से थे? एनसीईआरटी से। और रेस्ट प्रश्न आपके कहाँ से हो सकते हैं, हम आपको बताते चले कि पिछली बार जो भी एग्जाम होता है हमने बताया था कंपटीशन से पूछे जा रहे हैं, यानी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उससे पूछे जा रहे हैं, निश्चित ही वो प्रश्न ऐसे ही होंगे। जो रेस्ट वेट के अलावा जो प्रश्न थे वो प्रश्न प्रायः बहुत चर्चित थे, लेकिन उसको निर्धारित हम नहीं कर पाएंगे कि किस कक्षा से संबंधित था। इसका मतलब जनरल कंपटीशन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से होंगे? जी वहीं से थे। इसका मतलब आपको जैसे लुसेंट हुआ और भी जो बुक होते हैं जो चलते हैं, ऐसे पब्लिसिटी नहीं है लुसेंट का, आप जो भी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो भी बुक है उससे आप एक नजर अगर देखे होंगे बनाए होंगे तो निश्चित ही उससे अच्छे तरीके से हल हो पाएगा। और इसमें भी हाई लेवल के जो प्रश्न होंगे ग्रेजुएशन लेवल के वो 10 या 20% निश्चित ही होंगे, यानी कुछ प्रश्न आपके हाई लेवल के होंगे, कुछ आपका जो होगा 11th-12th का भी हो सकता है। 11th-12th इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ प्रश्न इस बार 11th-12th से पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका मैथ हो वो आपका साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपके निश्चित 11th-12th से रह रहे हैं, तो इसमें भी निश्चित ही 11th-12th के होंगे। और आपके जनरल कंपटीशन की कोई भी बुक है तो उसे अगर आपने देखा होगा तो निश्चित ही आप अच्छा करेंगे। कुछ प्रश्नों की सूची आप हमें बताएं, वो आपका सिविक्स हो यानी पॉलिटिकल साइंस हो या आपका हिस्ट्री हो, और कुछ प्रश्न जो आपको याद है वो बताइए। सर स्मृति के आधार पे एक प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, यानी स्थापना वाले जो भी सन वाले हैं उसे भी एक नजर अगर आपने लिखा होगा एक जगह तो उसे भी एक नजर जरूर देख लीजिएगा। ये सब पूछे जा रहे हैं जो भी स्थापना वगैरह है उसे देख लीजिएगा। और लोकसभा में बिहार से कुल कितने सीटों की संख्या है, ये तो बिहार में कितनी संख्या है लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए ये तो मेरे ख्याल से 6-8 में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है कितने सीट है क्या है, तो सीट वगैरह बिहार के मद्देनजर में जो भी चीजें हैं बिहार का जो भी चीजें हैं मतलब उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं उसे जरूर देखना चाहिए। और कुछ वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जी वर्तमान में ये पूछा जा रहा है, ये आपका पॉलिटिकल है यानी पोल साइंस का होगा? जी, और उसमें जो वर्तमान में है अध्यक्ष महोदय उनका नाम नहीं था, चौथा विकल्प था, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपने लगा दिया होगा जी, इसका मतलब थे कौन, मतलब इससे पिछले वाले का नाम होगा जी, इससे जो पहले होंगे उनका नाम होगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है वर्तमान में कौन है ये पूछा जा रहा है, तो कुछ प्रश्न जो है आपका जो करेंट है वहां से भी आ रहे हैं, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा कि वर्तमान में कौन है। और वो नहीं है, अगर आपको पता है तो आपका मतलब इन्होंने तो टिक कर दिया कि इनमें नहीं है क्योंकि इनको पता था कि आप भी अगर थोड़ा सा ये जानते होंगे तो निश्चित ही टिक कर देंगे। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई है क्योंकि करंट जब भी आता है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, और आप जानते हैं कि बहुत ही ब्रॉड है सोशल साइंस सब्जेक्ट, बहुत ही ब्रॉड है, और करंट अगर आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बताइए। एक और करंट से प्रश्न था सर कि जैसे जापान या कोई देश का नाम था वहां के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है वो भी करंट वर्तमान में? नहीं वर्तमान नहीं जोड़ा गया था, वर्तमान शब्द नहीं था, यानी कौन थे भी हो सकता है या थे हो सकता है, इसका मतलब जो भी राष्ट्रपति होंगे उनका नाम आपको टिक करना होगा। देखिए ये तो ये भी थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, किसी देश का पूछा जा रहा है, लेकिन आपको हिस्ट्री है आपका और जनरल कंपटीशन की तैयारी किए होंगे को निश्चित ही ये सारे प्रश्न टिक कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न? उसके बाद प्रश्न था सर सोशल कॉन्टैक्ट किनकी पुस्तक है? किनकी पुस्तक है, यानी पुस्तकों से भी संबंधित एक दो प्रश्न आ रहे हैं कि अगर आपने लिखा होगा तो उसे देखिए। ये 9वीं-10वीं से ही है सर। 9वीं-10वीं से है यानी बुक से है, तो ये तो आप निश्चित ही टिक कर सकते हैं। और क्या उत्तर क्या था इसका? ये रूसो का है सर। रूसो का है, तो अगर एक चीज और हम बताते चले कि अगर ये परीक्षा में पूछा गया है और सोशल साइंस में ही पूछा जा रहा है तो ये प्रश्न आपके अगले एग्जाम में नहीं मिल रहे हैं।
ये अगले एग्जाम में शायद एक दो मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन लगभग देखा गया कि नहीं मिल रहा है। अब ये तो हम फर्स्ट शिफ्ट का भी अगर चर्चा करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपके सोशल साइंस में हमने नहीं देखे। लेकिन हमने अभी देखा कि जो आपका बाल विकास वगैरह है वो आपके प्रश्न थे कल के मैथ, कल या परसों के मैथ में थे, वो प्रश्न यहाँ पे आए थे। और बताइए और कोई प्रश्न। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध भी पूछा गया है तो इसका भी उत्तर देख लीजिएगा आप लोग। और कोई प्रश्न है वो जो बता दीजिए ताकि बच्चों को लेवल पता चल सके। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये कक्षा 6 से लिया गया है। इब्न बतूता कहाँ था, ये कक्षा 6 में ही है तो इसे आप अगर देखे होंगे तो निश्चित ही उत्तर दे पाएंगे। और थोड़ा सा आवाज कट रहा है लग रहा है, ये गाड़ी में है, चल रही है गाड़ी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मेमी अब शायद डिस्कनेक्ट हो जाए कॉल, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें। हेलो जी, एक प्रश्न था। 17वीं लोकसभा में कितने सीटों पर निर्वाचन हुए थे? 17वीं लोकसभा में कितने सीटों पे निर्वाचन हुए थे? आप लगातार प्रश्न बोल दीजिए क्योंकि बीच बीच में अब आवाज कट भी रही है ताकि हम लोग क्लोज कर सके। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, कब हुआ था? कब हुआ था। और उसके बाद सर एक दो प्रश्न हम और बताएंगे। वो प्रश्न ये है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? ओके, बस स्मृति में सर बस यही प्रश्न से। ये सारे प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे। आपका भी अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, जो भी आपके दो सब्जेक्ट हैं वो तो मजबूत होंगे क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि दो सब्जेक्ट होंगे, चार सब्जेक्ट में होंगे, क्या कुछ होगा, जाने पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारे परेशानी उनके ऊपर डाल दीजिए जो वहां पे है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पेज वगैरह मिलते हैं रफ पेज वगैरह तो वहां पे आप अपना रोल नंबर वगैरह जो भी आपका डिटेल्स है वो भर दीजिएगा। आप अपना सारा डिटेल्स एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाइएगा, वहाँ फोटो चिपका के लेके जाइएगा एडमिट कार्ड पे। और ये और आपको बता दें कि आप आईडी प्रूफ भी ओरिजिनल लेके जाइएगा, आईडी प्रूफ का जीरेक्स भी लेके जाइएगा, और ग्लव्स वगैरह है तो है, नहीं है तो भी उतना दिक्कत तो में भी नहीं हो रहा कुछ जगह। और आप मुंह में जरूर लगा के जाइएगा आप, और कलम पेंसिल ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लग रहा कि किसी और चीज की जरूरत होगी। क्यों जी, और कुछ आवश्यकता नहीं, ग्लव्स का कहीं ज्यादा डिमांड नहीं था, जो है लेके गए हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो नहीं लेके गए हैं उनके लिए भी ठीक है। और सैनिटाइजर ले लीजिएगा, वो आपके सेफ्टी के लिए है तो वो लेके जाइएगा। पानी लेके जाना चाहते हो? वो खोजा भी जा रहा था कि सैनिटाइजर को नहीं लाए हैं। हाँ, तो ये जरूरी है क्योंकि वो आपका सेफ्टी है, बहुत देख ही रहे हैं कितना दिक्कत हो रहा है। तो चलिए, सारे प्रश्नों के उत्तर हमने कोशिश किया है इनके द्वारा लेने का, तो शायद आपके प्रश्न इसमें हल हो गए होंगे। नहीं तो आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी उनसे बात करने का, और थर्ड शिफ्ट के बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। कुछ आपके दोस्त जो हैं थर्ड शिफ्ट में भी एग्जाम दिए थे, उसका लेवल क्या इसी तरह का था या कुछ हार्ड था? तृतीय पाली का सर स्तर इससे ऊंचा था। इससे ऊंचा था, ये भी थोड़ा नीचे नहीं कहा जाएगा, ये भी ठीक ठाक है आपका स्तर। ऐसा नहीं है कि 9th-10th का दे दिया गया है, कुछ ही प्रश्न है और स्तर आपका ऊंचा है। लेकिन आपने कहा कि तृतीय पाली का आपका बातचीत हुआ था किसी से? जी, मेरे एक साथी हैं चंदेश्वर कुमार, साथी और साथ में उनको शिक्षक भी माना जा सकता है मेरे लिए। वो बताए थे कि द्वितीय पाली से तृतीय पाली का परीक्षा जटिल था। जटिल कहने का तात्पर्य उनका था कि 9वीं-10वीं कक्षा से प्रश्न नगण्य थे। अच्छा, और मान सकते हैं। और 50 अंकों के खंड में भी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों को कटौती किया गया था। ओके, यानी मैथ बढ़ा दिया गया। अच्छा, मैथ और साइंस के, मैथ के प्रश्न ज्यादा थे, रीजनिंग और मैथ। जी,
रीजनिंग और मैथ के प्रश्न ज्यादा थे, तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। रीजनिंग में कुछ होता ही नहीं, आप कोई ना कोई पैटर्न उसमें जरूर लगा के ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। अब मैथ के जो प्रश्न है ना कुछ से ऑप्शन जरूर को रिलेटेड होता है। कितना भी भारी क्वेश्चन हो मैथ का, कितना भी हार्ड हो, आप किसी ना किसी तरह से ऑप्शन को कोरिलेट कीजिए, या तो गुणा होगा नहीं तो भाग होगा, किसी ना किसी तरह से उसे कोरिलेटेड कीजिएगा, उसी को टिक करके आइएगा। जैसे ऑप्शन है ऊपर में कुछ भी दे दिया गया है, उसमें सात वगैरह है, तो समझिएगा कि नीचे में जो ऑप्शन होगा सात से गुणनखंड होगा चाहे भाग होगा, कुछ ना कुछ होगा। ग्यारह है तो ग्यारह से कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये सारे अपना तरीका जब नहीं बन पाएगा तो अपनाइएगा, निश्चित ही आपका हल हो जाएगा। तो कुमार जी आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें इंडिया क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।